हेलो फ्रेंड्स, तो एमपी में जो आयुष की काउंसलिंग चल रही है बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के लिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इसकी हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारा जो है पता चल जाए काउंसलिंग के टाइम पर। ठीक है, तो अब आप हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल, मैसेज या फिर एक तरीके से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है 2021 की काउंसलिंग में, आयुष की काउंसलिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नीक दूजी 2021 एमपी स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग। ठीक है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वही डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा पर्सनल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ब्रिंग फॉलोइंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जहां पर भी अपने को क्या है एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो वही 10th एंड 12th की मार्कशीट रहेगी। इसके साथ साथ जो है डेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो लगभग डेट ऑफ सर्टिफिकेट का जो काम है वो भी 10th की ही मार्कशीट कर देती है। नीट यूजी का स्कोर कार्ड, जो आपकी मार्कशीट आई है, रिजल्ट आया, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट बी कंपलसरी, यही से कास्ट एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, मतलब एक तरीके से वही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ लगेगा, मतलब उसमें आधार कार्ड वगैरह, या फिर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो सीधी सी बात है कि जो इसका सब्स्टिट्यूट वगैरह इसके इक्वल कोई भी हो तो वो चल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी को पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर यदि है आप या आपकी फैमिली, तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस, या फिर मतलब एक तरीके से मिलिट्री पर्सन, तो यदि मिलिट्री पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आयुष ने अपने साइट पर डाल रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये सारा जो हमने क्लिप उठाया है, जो प्रोफार्मा जो उन्होंने रिलीज करा है उसके अंदर ये दे रखा है, वहां से आप चाहें तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप जो है टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये भी आपके साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। प्लस इसके साथ में हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस इन सब की आप चाहे तो दो कलर फोटोकॉपी, प्लस कम से कम 5 जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी रखेंगे। तो इससे का बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का होगा कि किसी कोई डॉक्यूमेंट जो है सिग्नेचर वगैरह करते समय कोई गलत हो गया है तो आप जो है उसको इंस्टेंट जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में, गवर्नमेंट आई कॉलेज जो होता है वहां पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। देन आफ्टर जो है 14 को जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी उसमें आपका नाम हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।